welcome back to my channel my name is Vatika gupta and guys today we'll be discussing section 11 of the hindu adoptions and maintenance act 1956 which talks about certain other requisites for an adoption to be valid guys we have discussed under section 6 that there are certain essentials for an adoption to be valid section 6k4 clauses and clause 1 2 and 3 has been discussed by me in greater detail under section 7 8 9 and 10. सेक्शन सिक्स अस रेफरेंस टू सेक्शन इलेवन इसीलिए दिस उसके अंदर क्लॉज फोर में लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम दी सेक्शन इलेवन में भी कुछ असेंशियल हैं अगर वो रिक्विजिट पूरी होती हैं उनको कम्प्लायंस मिलती है तभी वो अडॉप्शन वैलिड होगी इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम सेक्शन सिक्स

सिंपल सी बात है कि जो अडॉप्टिव कपल है अडॉप्टिव पेरेंट है हस्बैंड एंड वाइफ फादर एंड मदर उनके पास ऑलरेडी कोई हिंदू सन नहीं होना चाहिए हिंदू ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए एंड हिंदू ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए अगर वो हिंदू नहीं है बाय रिलीजन तो आप अडॉप्ट कर सकते हो लेकिन दोस यू नो दैट कपल मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन हिंदू ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन कहने का मतलब है कि वो लेजिटिमेट भी हो सकता है और बाय अडॉप्शन भी हो सकता है चाहे वो अडॉप्शन के जरिए से आपकी फैमिली में आया या फिर आपकी ब्लड लिनेज चल रही है उस तरीके से आपकी फैमिली में है दैट इज मैटर लेकिन दैट चाइल्ड मस्ट नॉट बी लिविंग एट द डेट एंड टाइम ऑफ अडोप्शन अगर वो है तो आपकी वो वैलिड अडोप्शन नहीं होगी क्योंकि अगर ऑलरेडी आपके पास एक बेटा है या आपके पास ग्रैंडसन है या ग्रेट ग्रैंडसन है तो एज पर लॉ आपको

वही सेम रूल है कि फादर एंड मदर बाय आपके पास डॉटर होनी चाहिए ना ही आपके पास सन्स डॉटर लिविंग एट द टाइम ऑफ अडोप्शन अब वो आपकी फैमिली में बाय ब्लड आई है या फिर अडोप्शन से आई है मैटर उसके बाद थर्ड रिक्विजिट ये रहती है कि अगर अडोप्शन किसी मेल ने करनी है यानी कि किसी को अडॉप्ट करना है और उनकी प्रेफरेंस है टू अडॉप्ट अ फीमेल किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना है तो उन दोनों में जो एज गैप है इट मस्ट बी ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज सिमिलरली इफ दी अडोप्शन इज टू बी मेड बाय अ फीमेल तो जो अडोप्टिव मदर होगी और उसने अगर अपोजिट जेंडर के यानी कि किसी सन को अडोप्ट करना है देन दैट सन एंड दैट लेडी मस्ट हैव अ हैव एन एज गैप ऑफ ट्वेंटी वन

तो दो लोग एक ही टाइम पे एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं ये सेक्शन टेन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इट मीन दो लोगों में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ आर अडॉप्टिव पेरेंट अडॉप्टिव पेरेंट तो लॉ के नजरिए में एक ही है इट मीन्स टू मेल पर्सन और टू फीमेल नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड एट द सेम टाइम ऑल डेट अ चाइल्ड वंस अडॉप्टेड नॉट बी फर्दर गिवन इन अडॉप्शन ये हमने सेक्शन टेन में डिस्कस किया था उसके बाद सेक्शन इलेवन क्लॉज सिक्स एक ही बात करता है एक adoption, दो होती है, एक होती है taking, और एक होती दत्ता हुमाम. तो सेक्शन इलेवन के प्रोविजो में ये लिखा है कि दत्ता हुमाम जो सेरेमनी होती है इट इज नॉट असेंशियल रिक्विजिट फॉर एन अडोप्शन टू बी वैलिड करो या ना करो दैट मैटर हो जाएगी तो भी ठीक है अगर वो सेरेमनी परफॉर्म नहीं होगी तब भी उसका अडोप्शन की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बट

the uh, you know actual parents and by the adoptive parents must be with an intention to transfer that child from the place of his birth to the adoptive family i hope this thing is quite clear to you so giving and taking ceremony is indispensable something which has to be fulfilled uh, actual giving and taking ceremony hogi with an intent of the parent to transfer that child from the family of his birth to the adoptive family or uh, if nahi hogi to, this will be fatal to क्शन इलेवन so की एंडिंग में हम सिर्फ यही कहेंगे कि चाहे पेरेंट्स के पास कपेसिटी है एज पर सेक्शन सेवन एंड एट ऑफ दिस एक्ट पेरेंट्स के पास कपैसिटी है टू गिव और टू टेक दैट चाइल्ड इन अडोप्शन ड नॉट मीन की उनके पास राइट right भी है टू गिव दैट चाइल्ड इन अडोप्शन वो राइट right उनके पास प्रॉपरली तभी आएंगे जब ये सारी रिक्विजीट भी पूरी होंगी अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवन एट नाइन एंड टेन Provisions of section 11 must also be complied with for an adoption to be valid. I hope, guys, this thing is quite clear to you. Still, guys, if you have any doubts pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all the doubts and queries. Till then, guys, keep learning, keep shining, stay safe, and bye bye.